हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक लेसन सिखाऊंगा जो मैंने भी अभी कुछ ही टाइम पहले सीखा है। एक्चुअली होता क्या था कि मैं अपनी लाइफ में डिसीजंस बहुत जल्दी लेता था, कई बार तो ऐसे इतनी जल्दी डिसीजन लेता था जो कि बाद में नुकसान पहुंचाते थे। तो ये आपके साथ भी होता होगा। इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग पावर द बेस्ट हो सके, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, फिर देखते हैं कि किसका असर किस पे पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पटरी पर ट्रेन जा रही है, बहुत स्पीड से ट्रेन जा रही है, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, ठीक है। उस पटरी पर जहाँ पर वो ट्रेन जा रही है, काफ़ी आगे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्या होता है कि इंडिया में कुछ ऐसा सिस्टम है, बच्चे पटरी पर खेलते हैं, फोटोशूट करते हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी पर, उस पटरी पर जो पटरी है उसके ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। तो अब क्या हुआ, अब देखिए गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, बट हाँ एक और चीज़ सुनिएगा, उस गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर्स की उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो गाड़ी को धीरे कर ले। एक्चुअली क्या होता, बहुत ही पास आने के बाद में उसे पता लगता है कि बहुत सारे बच्चे आगे गाड़ी के खेल रहे हैं, यानी उस पटरी पर खेल रहे हैं। तो अगर वो उस पटरी से जाएगा तो वो बच्चों की मौत हो जाएगी, यानी कि वो बच्चे मर जाएंगे। तो उस जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर क्या करता है, उस ड्राइवर के सामने ये ऑप्शन होता है कि क्या करे, वो एकदम से ब्रेक नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि बहुत ही पास आ चुकी गाड़ी, तो ब्रेक तो मार नहीं सकता। अगर ब्रेक मारेगा भी तो भी ऑफ बैलेंस हो सकता है। तो अब क्या करे, बट हाँ उसके पास में एक ऑप्शन और है, एक सामने से पटरी और जा रही होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पटरियाँ चेंज कर सकते हैं गाड़ी, जब आपने देखा हो कई बार पटरी चेंज होती है, बट वो जो पटरी है वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा कि उस गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, उस गाड़ी के ड्राइवर के पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, उन बच्चों के जहाँ से वो बच्चे खेल रहे हैं उसके ऊपर से निकाल दे, क्योंकि देखो ड्राइवर है, कुछ भी कर सकता है ना। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो दूसरी पटरी है जहाँ पर कोई भी नहीं है, उस पटरी से निकाल दे। तो अब हम सोच रहे होंगे कि यार बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, मतलब कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाना सही नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, दूसरी पटरी से गाड़ी को निकाल दीजिए। बट यहाँ पर हम गलती करते हैं, यहाँ पर ही हम गलती करते हैं। गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि हम जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती मतलब कैसे, हमने देखा कि यार एक गाड़ी के ऊपर पटरी, एक पटरी के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें उस गाड़ी को उधर से नहीं निकलवाना चाहिए, वो दूसरी पटरी से निकलवा देना चाहिए। बट मैंने आपको ये बात बताई है, वो जो पटरी है, जो दूसरी पटरी है, उस पटरी पर काफ़ी समय से कोई गाड़ी गुजरी नहीं है। एक्चुअल में उस पटरी की मरम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई है। यहाँ पर अगर कोई ड्राइवर उस बच्चों को सोचकर वो दूसरी पटरी से गाड़ी को निकाल देता है तो वहाँ पर उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस पटरी की गारंटी नहीं है। यानी कि अगर वो उस पटरी से निकालता है तो इसके पीछे जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे को एक लेसन सीखना चाहिए कि हमें हमारे डिसीजंस को इमोशन होकर, इमोशंस में बहकर नहीं लेना चाहिए, जज्बाती होकर नहीं लेना चाहिए। हमें अपने डिसीजन को बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। तो मैं आपको यही लेसन दूंगा, कभी भी डिसीजंस को जल्दबाजी में मत लीजिए। इफ़ यू टेक योर डिसीजन इन हेस्ट, इट मेक्स योर डिसीजन और लाइफ वेस्ट। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो ये आपका डिसीजन और आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।